the speed of the body is the rate change distance with time. एक काम करो, समझे कि नहीं? या तुम लोग पढ़ लो या मैं बाहर चला जाऊं, फिर बात करो बैठ के। सर उधर जाके छांव में खड़े रहिएगा, वैसे भी काले हैं, धूप में रहेंगे तो और काले हो जाएंगे। यू हैव टू राइट दीज थिंग्स इन योर। फिर से बात करना शुरू करते हैं, जो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते खड़े हो जाए। तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो? नहीं सर, पूरे क्लास में आप ही खड़े थे अकेले, तो सोचा मैं आपको कंपनी देने के लिए मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। कौन कौन होमवर्क नहीं करके आया? कौन कौन नहीं करके आया बताओ? सर मैंने नहीं लाया। क्यों नहीं करके आया वो? लेट मी गेस, तुम्हारा होमवर्क कुत्ता खा गया होगा। हथू नहीं, बहन ने पानी गिरा दिया होगा तुम्हारे होमवर्क में। अगर वो पानी डालती ना सर तो मैं यहाँ नहीं रहता। क्यों नहीं होते तुम? देखिए अगर वो पानी डालती तो मैं उसी उसको डाल के निचोड़ देता, मार डालता। फिर घर वाले मुझे मार डालते तो मैं यहाँ होता? समझते नहीं सर। तुम ही बता लो सर, नल में पानी नहीं आ रहा था। होमवर्क को पानी से क्या मतलब? तो नल में पानी नहीं आ रहा इसका मतलब सीधा सीधा टंकी पानी में ही होगा। तो आप तो सोच रहे होंगे कि टंकी में पानी भर लो, टंकी में पानी तो नहीं भर सकते। तो बात फंस रही थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी ना सर, और बिना लाइट के टंकी में पानी कहाँ भर सकते हैं सर। साथ ही साथ सर देखिए बस के पति से इन्वर्टर भी खराब हो गया सर, और अपनी नंगी आंखों से अंधेरे में कहाँ पढ़ पाते सर, कहाँ लिख पाते। तो इसीलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। तो सीधे सीधे नहीं बोल सकता है, लाइट नहीं आ रही थी। सर आप कौन से टीचर हो? मैथ्स के। अच्छा, सिंपल सी बात है, आपको कोई भी चीज़ सीधे सीधे समझ आती है? एक क्वेश्चन आपने कैसे दिया था हमको, एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और वो अपने डेस्टिनेशन पे 2 घंटे में पहुंचा, तो बताइए उस ट्रेन के जो ड्राइवर था उसका एज क्या होता है? टोनी कसला था हम दस रहे वाजों की।